पढ़ने गया था, वालों ने कहा से इसको पैरेंट ट्यूशन पढ़ने गया था, बैग इसके साथ में था। तीन दिन पहले हम दुकान पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने हमारी दुकान में शाल फेंका। दोनों आँख से नहीं दिख रहा है? नहीं, इस आँख से नहीं दिख रहा है। जख्मी ऐसे हो गए कि उनको गाश नहीं था, मानो कि दिखाई कुछ भी नहीं देता था। यार इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर इंटरनेट बंद करना था कुछ, लेकिन फोन तो चालू रखने से, ये बराबर यहूदी वाली बात हो गई। The people of Jammu and Kashmir were locked down and shut off from each other and the wider world in the run-up to the Modi government's decision to end J&K's special status. But the information and communications blackout has continued unrelentingly since then. That way, the government hopes no information will emerge about the reaction of ordinary Kashmiris to its move. And of course, the absence of news could then be passed off as popular support, as many TV channels are doing. During the time I have spent in Srinagar, I have been able to confirm that there have been major protests in different parts of the city, and that in some areas of downtown, the security forces have resorted to tear gas and pellet guns. Here in Srinagar's SMHS hospital, as many as 21 young men and even boys have been brought in with pellet injuries. The hospital's administrators didn't want to speak about them, but a friendly doctor sent me to ward number 8, where pellet victims are being treated. Several of them have lost sight in one eye, and in some cases the fear is both eyes may have been lost. ट्यूशन पढ़ने गया था, इसके बैग, इसके कंधे पे बैग था, तो ट्यूशन पढ़ने गया था, ये सीधा चल रहा था, तो वांटन गाड़ी खड़ी की, उन्होंने वहाँ से वो जो सुराग होता है वहाँ से इसको पलट मारा है। कल ट्यूशन पढ़ने गया था, बैग भी इसके साथ। कहाँ पे, किस शहर में, कहाँ ये? यहाँ पे है ना, नटीपुरा में, बड़ श्रीनगर नटीपुरा। ट्यूशन पढ़ने गया था। तो आप कब से हैं यहाँ पे इस अस्पताल में? कल रात। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? लाइट चली गई। हाँ सर, हम बारामूला से आए, गांधरबल में काम करते हैं हम। आज से तीन दिन पहले हम दुकान पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने हमारी दुकान में शाल फेंका और पैलेट का गन भी, पैलेट भी फेंका हमारी दुकान। हम तीन लोग उधर थे, तीनों जख्मी हो गए। हमारा रोजगार ही पहले छीन लिया, बंद कर दिया, तो उसके बाद ये कौन सी हमदर्दी हो गई अपने मुल्क के साथ? किसी के मां, किसी को हमदर्दी नहीं कहते हैं, वो भी छीन लिया। बताए बिना पहले ही 35 को हटा दिया गया, किस लिए? बताए बिना कैसे हो गया? पैलेट क्या शूट तो आया, चेस्ट बस पे भी आया, फ्रेंड को भी आया मेरे को, लेकिन इनको बच गए, इनको आँख को नहीं आया, सिर्फ मुझे आया। हमसे अब दिख ही नहीं रहा है। दोनों आँख से नहीं दिख रहा है? नहीं, एक आँख से। इस आँख से नहीं दिख रहा है। क्या हुआ आपके साथ और कहाँ पे हुआ? ये तो हज़रतबल साइड हुआ, मान लो कि हबक पैलेट शुरुआत हुई, टायर गैस भी लगाया, लास्ट में मेरे को पैलेट आ गया, बहुत ज़ख्मी हो गया। जो अभी ये था ना, ये भी मेरे मोहल्ले का है, बहुत जुल्म हो रहा है उस टाइम हमारे मोहल्ले में इस वक्त। अगर ये एक तोड़ा गया ना, तो समझो ना कुछ नहीं रहेगा इस दुनिया में, सब कुछ फान हो जाएगा, हम सब मरेंगे, हम अपनी जान देंगे सब, जब तक हमें अपनी आज़ादी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी कश्मीर कहता है, पूरा कश्मीर। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देगा, हम भी जाने देंगे, रहेंगे, दे के रहेंगे, दे देंगे भी, जाने तो जाएंगे। यहाँ पे कर्फ्यू था, बहुत कर्फ्यू था, और मिलिट्री वाले जो आ रहे थे ना, उसी ने पलट हम लोगों पर, और हमला भी किया, फायर भी किया। ये किस इलाका था? दरगाह, दरगाह हजरत, वहीं पे उन लोगों ने फायरिंग भी की और पैलेट भी। और हमें ये गिला नहीं है, दफा 370 का क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमें गिला एक चीज़ है अमित शाह जी का, कि उसने इस वक्त बेटे को बाप से जुदा किया, बाप को माँ से जुदा किया, बहन को भाई से जुदा किया। कोई अता पता नहीं है हमारी बहन कहाँ, हमारी माँ कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है। कोई कम से कम अगर इंटरनेट बंद करना था कुछ, लेकिन फोन तो चालू रखने से, ये बराबर यहूदी वाली बात हो गई।
मुझे लगा है यहाँ पे, थोड़ा सा लग गया है मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, और दूसरा भाई है उसको बाजू में लगा है और सर में लगा है, इसको ज़्यादा लग गई उस वक्त आँख में, इसको लगा है, ये रोटी लगा रहा था उसको, यही हमारा कसूर है। हमने क्या किया, उन्होंने बोला कि दुकान बंद करो, क्या कश्मीरियों को रोटी खिलाते हो आप, जहर खिलाओ, क्या कश्मीरी को रोटी दो क्या आप, ऐसा ऐसा गाँव हमारी दुकान में वो पैलेट का शब्द है। उनको इसी में अच्छा ही लगता है कि कश्मीर को, कश्मीरी लोगों को इसी तरह मारे, उस तरह मारे, किसी भी तरह मारे, उनको ऐसा अच्छा लगता है। चलो हमको, हम भी उसी में शुक्र करेंगे, हम भी पीछे हटने वाले में से नहीं है, हैं है कि नहीं। कम से कम खून तो चालू कर देते। हमारे बच्चे को पैलेट आया है, सब्जी लाने गया था, हमें दो दिन के बाद पता चल गया, दो दिन हम इसको ढूंढते रहे। आप देखिए कितने बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है, डायरेक्ट आंखों पे अटैक करते हैं। उनके माँ बाप का क्या होगा? अगर इनको अपना बनाना है तो इखलास से बनाना है, तो पैलेट मारने से तो ये अपने नहीं बनेंगे ना, पैलेट मारने से तो और ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, जितनी और ज्यादा ज्यादा हो जाएगा उतनी आग भड़केगी, आग मत बुझिए। हिंदुस्तान एक सब्र वाला मुल्क है, तो इनको सब्र करना, सब्र वाला मुल्क है, ताकि हम मतलब ये बच्चे नरम हो जाए, इनको समझ में आए कि हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, पहले क्या हमारे साथ होता था, अब क्या होने वाला है, आहिस्ता से समझा, बल्कि पैलेट से नहीं समझे, ये मौत से नहीं डरते हैं, हमारे घर में वही जान, इसलिए हम गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके, अगर हमें इंसाफ मिल जाए, पूरे कश्मीर को इंसाफ मिल जाए, तब तो सब की भलाई होगी, उनको भी। बहुत पैलेट मारे, बहुत लड़कों को आँखों भी मारे, सब कुछ भी मारे। और फिर आप यहाँ पे इस अस्पताल में आ गए? हाँ। और इलाज आपका अब दो दिन से चल रहा है? हाँ जी हाँ। अभी तक कुछ खबर मिली कि आँख के साथ? कुछ भी नहीं पता, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अपना स्टोरी तो बताओ ना। क्या स्टोरी बताएंगे, वो तो बता चुके हैं बचपन से, इन्होंने हमारी सब खुशियाँ छीन ली है, अब इनको हम भी खुशियाँ छीन लेंगे, देख ले जाओ कितने मुजाहिद मारेंगे, घर घर से मुजाहिद निकलेगा। ये कश्मीर का मुस्तकबल जला रहा है, इससे तो ज्यादा आग बढ़ गई, बच्चों को मार रहा है, क्या नहीं हमें ये मार नहीं है। ये बेचारा मजदूरी करने आया था गांधरबल, किधर से आया था ये 100 किलोमीटर दूर से मजदूरी करने आया था, इसने इसका कसूर क्या था? यही कसूर था कि ये मजदूरी कर रहा है, अपनी दुकान में काम कर रहा था, दुकान में फेंक दूसरा, ये क्या कर रहा था? ये भी अपनी मजदूरी कर रहा था, किसी का कोई आता पाता नहीं है, ये जो कदम सरकार ने लिया था 370 हटाने का बहुत ही, और सूबा को एक तरह से खत्म करने का, इस दोबारा सरकार को सोचना चाहिए इस पे। दोबारा क्या, इसको उन लोगों ने हजार बार सोचा, एक बार नहीं हजार बार सोचा, सोच को खाली सोचता है, फैसला करता है, फिर क्या होता है, कुछ नहीं। अभी तो कितने साल हो गए, 50 साल, 10 साल, अभी तक कश्मीर आज़ाद हुआ नहीं, कहाँ होगा आज़ाद, जब तो वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, पता नहीं क्या होगा इस कश्मीर को, अब चाहे रब जाने अब क्या होगा, हम नहीं जानते, हम नहीं चाहते ऐसा होना चाहिए, हम चाहते हैं ये सब बंद होना चाहिए, हमको आज़ाद छोड़ा जाए। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.